बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमले में शहीद हुए 5 जवानों में से एक जवान रमेश चंद्र गुलिया गुरुवार को अपने पैतृक गांव खेड़ी जट में पंचतत्व में विलीन हो गए। सीआरपीएफ की तरफ से एक टीम गुरुग्राम के रास्ते होते हुए शहीद रमेश चंद्र के पार्थिव शरीर को लेकर उनके गांव पहुंची। गांव में शहीद रमेश चंद्र के पार्थिव शरीर को लेकर लाने से पूर्व गांव खेड़ी जट व आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं का एक जत्था अपनी बाइकों के साथ गांव बाड़सा से लेकर गांव खेड़ी जट पहुंचे। इस दौरान युवा जोश से भरे हुए थे और उन्होंने गगनभेदी नारों के साथ रमेश चंद्र अमर रहे व भारत माता की जय के नारों के साथ में आसमान को गुंजायमान कर दिया। मैं झारखंड के अंदर था, मेरे कंपनी से मेरे राइटर ने फोन किया, भाई वोट डालना किसका डाला है। जब मैंने खुशी से गुलाब का बोला, गुलाब में जब खुशबू आएगी जब दोनों मंत्री मेरे दोनों भतीजों को भर्ती करवा देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, इनसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जो समस्या है मैं जानता हूँ, क्योंकि पहले मेरे भाई के ऊपर था लेकिन अभी मेरे ऊपर आ गया। मैं इतनी दूर रह करके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों को यही कहना चाहता हूँ, मेरे दोनों भतीजों को, मतलब दोनों भतीजे सर्विस के लायक है। जय हिंद जय भारत। बहादुर परिवार है, उनके पिताजी से मुलाकात हुई 1988 में, क्रेशर में पाँव होने के कारण पाँव खराब हो गया, कट गया। जब पाँव कटा तो एक ही बात की भी गाड़ी लाओ, दर्द महसूस नहीं किया। उस परिवार से था भाई रमेश कुमार, उसका बड़ा भाई भी पुलिस में, उससे रमेश से छोटा भी सीआरपीएफ में। ऐसा बहादुरों का परिवार है, जैसा मंत्री जी ने बताया कि सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार जो भी शहीदों के लिए संभव है सहायता वाली बात तो बहुत छोटी है, शहादत बहुत बड़ी होती है। और आज उन्हीं के कारण, ऐसे शहीदों के कारण, ऐसे बहादुरों के कारण देश के अंदर अमन चमन है। हम उसकी शहादत को सलाम करते हैं और यही कहूँगा हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से, जो भी शहीदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको हो सकता है वो दर्जा प्रदान करने की कोशिश करें। धन्यवाद। हरियाणा सरकार की ओर से मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए, उनकी शहादत देश हमेशा याद रखेगा। उनके परिवार ने इच्छा व्यक्त की है कि सरपंच के माध्यम से, जो मुझे पंचायत के माध्यम से जानकारी मिली है, कि यहाँ के राजकीय विद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाए, तो हरियाणा सरकार उनके नाम पर विद्यालय का नामकरण करेगी। और हरियाणा सरकार जो पहले से ही शहीदों के लिए, जो हालांकि शहादत की कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन हरियाणा सरकार ने शहीदों के लिए जो भी व्यवस्थाएं की हैं, उनके एक परिजन को नौकरी पर रखना और 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता परिवार को देना, वो चीज़ें सरकार की तरफ से हर शहीद परिवार के लिए अर्पित होती है श्रद्धांजलि स्वरूप। तो वो भी रमेश कुमार की श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करते हुए, संपूर्ण समाज जो है उनके जाने से जिस प्रकार से आहत है और जिस प्रकार से सारे इलाके ने इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि दी है, उनकी शहादत को हम सदा याद रखेंगे और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब ऐसी सरकारें भारत में हैं, जो एक ज़माना था कि केवल हम श्रद्धांजलि तक ठहरते थे, लेकिन अब अपने शहीदों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देते और उसकी कीमत उन लोगों को चुकानी ही पड़ेगी जिनके कारण से इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे कोई भी लोग बक्से नहीं जाएंगे। सीआरपी के डीजी साहब ने उनको, शहीद को, बड़े ही ढंग से अपने कंधों से उठाकर यहाँ पर गांव की तरफ भेजा है और उसमें मैं एज आईजी प्रचार्य महोदय गुरुग्राम से आया हूँ, जहाँ पर सीआरपी की डीएसपी लोगों की ट्रेनिंग होती है। साहब डीएजी साहब मिश्रा साहब आए हुए हैं जड़ौदा कलां से, डीएजी साहब सोनीपत से आ रखे हैं। हमें बड़ा फख्र और खुशी महसूस हो रही है एक तरह से, पर दुख है कि हमारा दोस्त
भाई हमारे बीच में नहीं है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीआरपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जवान शहीद के साथ हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीआरपी की कावा का ग्रुप जो महिलाओं का डीजी साहब की मैडम और सारी लेडीज़ काम करती हैं, वो बच्चों के लिए स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए ध्यान देती हैं। हमें बड़ा दुख है, बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि इस गांव से हमारा भाई शहीद हुआ है, बट हमारी तरफ से सीआरपी की तरफ से और डीजी सीआरपी की तरफ से कोई प्रॉब्लम कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी, हम हमेशा साथ में रहेंगे। रोहतक से विकास ओलियान की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।